नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मिस्टू मंडल ब्लॉग। आज है 22 जनवरी, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, और इधर मेरे हस्बैंड रेडी हो गए हैं यूनिट जाने के लिए, क्योंकि आज यूनिट में उनका आरती करेंगे, हवन करेंगे, तो इसलिए आज कुर्ता पजामा पहन के चले गए। फिर हम भी चले गए मंदिर में। हमारे नीचे वाला दीदी जो है मंदिर सजा के उधर पूजा का आयोजन किया है। मैं और गोलू आ गए मंदिर। इधर गोलू की दीदी मतलब तन्नू इधर रंगोली बना रही है और दीदी अंदर भगवान को सजा रही है। और पीछे पीछे ओरियो भी आ गया। देखो दीदी ने कितना सुंदर से कपड़े पहनाया भगवान जी को। कल हम मार्केट गए थे तो मार्केट से दीदी ये सब मंगवाए थे। और इधर भैया पूजा करने के लिए आए हैं और राम जी का इधर राम जी का झंडा इधर लगा रहे हैं। फिर हम लोग आ गए कीर्तन के लिए। इधर बच्चे खेल रहे हैं और हम लोग इधर पास में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, हमारा राम अपने घर में आया है तो कीर्तन तो बनता है ना। तो आप तो सबको पहचानते ही हो आप लोग, क्योंकि मेरे वीडियो में इससे पहले भी जितने भी वीडियो है बहुत सारे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये दीदी है और गोलू और तन्नु की मम्मी। आप लोग सबको पहचानते हो, मेरे वीडियो में बहुत बार देखा है। आरती करने के बाद मेरा हस्बैंड आ गए अपनी यूनिट से। पता नहीं कहाँ से पाइप लेके आया है भगवान जी की झंडा लगाने के लिए। फिर हम लोग प्रसाद खा के इधर कुछ टाइम बैठे रहे। बच्चे खेल रहे इधर। फिर हम लोग आ गए क्वार्टर में छोटा मोटा रील बनाने के लिए। बहुत सारे रील बनाए हैं हम लोग। बनाने के बाद हम और गोलू चले गए थे मार्केट में। मार्केट से एक बड़ा सा कढ़ाई लेके आए हैं और भी कुछ सामान लेके आए हैं। और इधर हम बनाने लगे चूसी पीठा और चावल उबालने के लिए रख दिए शाम के टाइम। फिर इधर दिया लगाए। फिर आ गए हम नीचे। नीचे आके सभी लोगों के लिए जिलेबी लेके आए हैं, तो जिलेबी सब खा रहे हैं इधर बैठ के। और हम भी इधर खाना बनाने के लिए मतलब फ्राइड राइस बनाने के लिए बीन्स और गाजर फ्राई करने लगे हैं। और यही कढ़ाई लेके आए हैं मार्केट से। और इधर सब लोग सब्जी वब्जी काट के रेडी करके बैठे हैं। जय श्री राम, बोला जय श्री राम।
छोटा सा मिस्टेक हो गया। कढ़ाई तो ले आया लेकिन ढक्कन नहीं लाया, क्योंकि इतना बड़ा कढ़ाई किसी के पास नहीं रहता है क्वार्टर में, बहुत कम लोगों के पास रहता है, और इतना बड़ा ढक्कन किसी के पास नहीं है, तो ये छोटा वाला ढक्कन ही हम यूज़ करने लगे। मैं ऊपर चली गई चार पराठा सेकने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी जाना है, और उधर खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जल्दी से आके पराठा सेक लिया और नीचे से सब्जी दाल लेके फ्राइड राइस लेके उनको दे दिया, वो खा के ड्यूटी पे चला गया। और हम आ गए नीचे, इधर पूरी सेक रहे हैं, और आप लोग ये बोल सकते हो पूरी का कलर लाल कैसे है, बीट रूट का पेस्ट आटे में डाल के गूंदा तो कलर इतना सुंदर आ गए, लाल लाल पिंक पिंक। तो हेल्थ हेल्थ का भी काम हो गया। फिर मैं इधर बैठ गई पूरी सेकने के लिए, और दीदी लोग इधर पूरी बेल रहे हैं, और तन्नु बार बार कैमरा देख के नमस्कार कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, वो बच्ची है ही इतनी प्यारी। पता नहीं अगले साल हम लोग कहाँ रहे, हम लोगों का आगे मुलाकात होगी कि नहीं। ये जो है वीडियो हम लोगों के याद में रहेगा कि 22 जनवरी के दिन, मतलब हमारे लाम लला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन, हम लोग पूरे दिन कैसे उत्सव मनाए, पूरे दिन कितना खुश हुए, कितना आनंद किया, ये वीडियो हमारा रहेगा हमेशा के लिए। और मैडम इधर अपने मेहंदी दिखा रहे हैं, और हमारा हो गया पूरी सीखना, अब है खाने की बारी। तो इधर पाठक दीदी कढ़ाई नीचे उतार रही है, और ये है हमारा रात का खाना, दाल मिक्स सब्जी फ्राइड राइस पूरी और सलाद। सब लोग बहुत प्यार से बनाया है, सब लोग मिलके सुंदर एक दिन गुजारे, यादगार रहेगा ये दिन हमारा। जब भी हम लोगों को याद आएगा ज़रूर हम लोग देखेंगे ये वीडियो। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। और ये है पीठा, थोड़ा थोड़ा हम लोग खाए हैं पीठा, क्योंकि बंगाली का अभी टाइम है पीठा खाने की, तो हम भी खिला दिए। फिर हम लोग खाना वाना खा के आग सेकने लगे। फिर आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय।